और देहरादून नगर निगम में प्रशासक का कार्यभार संभालने के बाद डीएम सोनिका ने नगर निगम की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। पिछले दिनों डीएम सोनिका ने नगर निगम कार्यालय में छापेमारी की थी, जिसमें 13 अधिकारी और कर्मचारी अपनी सीट से नदारद मिली थी। डीएम ने सभी को हिदायत देकर आगे से लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए थे। डीएम सोनिका ने कहा कि नगर निगम के कार्यों को लेकर लगातार बैठक की जा रही है। नगर निगम की ओर से जितने भी कार्य पेंडिंग है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। अब सभी कर्मचारी और अधिकारी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिसंबर के पहले सप्ताह में नगर निगम बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने के बाद डीएम सोनिका ने नगर निगम के प्रशासक का कार्यभार संभाला है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। नगर निगम में जो बेसिकली आज हमने मीटिंग भी रखी है और रिव्यू बैठक है, जिसके अंदर स्ट्रीट लाइट्स हो गई, सफाई व्यवस्था हो गई, सरकारी जो लाइन है नगर निगम की उस पर इंक्रोचमेंट की कोई इश्यूज हैं, और जो रेगुलर बेसिस पे जो जो कार्य होते हैं नगर निगम द्वारा उसमें कोई पेंडेंसी ना रहे और कार्य जो है वो उसमें पूरे होते रहें, उसके लिए आज हमने एक रिव्यू बैठक रखी है और उसमें सभी चीज़ों से।